झारखंड हाई कोर्ट ने वर्ष 2016 में बनी झारखंड नियोजन नीति को गलत बताते हुए रद्द कर दिया है। पलामू के हाई स्कूल टीचर सोनी कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एच सी मिश्रा, जस्टिस एस चंद्रशेखर, जस्टिस दीपक रोशन की पूर्ण पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अदालत के इस आदेश का सीधा असर अभी 13 अधिसूचित जिलों में 2018-19 में नियुक्त हुए 8,423 हाई स्कूल शिक्षकों पर पड़ेगा। इन सभी शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। नमस्कार, मैं हुरानी और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में इस नीति के तहत हुई नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करते हुए दोबारा विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इसलिए अदालत ने माना है कि अधिकतम 50% आरक्षण हो सकता है। ऐसे में नियोजन नीति के चलते 13 अधिसूचित जिलों में सभी पद 100% आरक्षित हो गए हैं, जो असंवैधानिक है। सोनी कुमारी ने नियोजन नीति और अधिसूचित जिलों में हुई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि सरकार की इस नीति से इस राज्य के लोगों को ही अपने राज्य में नौकरी के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने अदालत को बताया था कि वह गैर अनुसूचित जिले की रहने वाली है। वर्ष 2017 में हुई हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में उसने अनुसूचित जिले में शिक्षक के पद के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनका आवेदन रद्द कर दिया गया। इस मामले में शिक्षक नियुक्ति के उम्मीदवार के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि कोर्ट के फैसले को शेड्यूल जिले के 8,423 टीजीटी शिक्षक के पद पर अब दोबारा नियुक्ति होगी। इसमें उन छात्रों की उम्र सीमा में रियायत दी जाएगी जिन्होंने पिछले परीक्षा में हिस्सा लिया था। अब अन्य 11 जिलों में हुई नियुक्तियाँ, जो लगभग 9,000 है, ये इस फैसले से अप्रभावित रहेंगी। वहीं महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि जजमेंट की कॉपी देखने के बाद सरकार निर्णय लेगी। सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या फिर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर सकती है। 2016 में तृतीय और चतुर्थ पदों पर नियुक्ति के लिए नीति बनी थी। इसमें शेड्यूल जिलों की नौकरी में सिर्फ उसी जिले के निवासी को ही नियुक्त करने का प्रावधान था। शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एरिया क्या है, पहले यह समझ लेते हैं। दरअसल राज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें 13 जिलों को शेड्यूल एरिया और 11 जिलों को नॉन शेड्यूल एरिया बताया गया था। शेड्यूल एरिया में रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज और नॉन शेड्यूल एरिया में पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा व देवघर हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व सरकार के बुरे कामों का नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एरिया बताकर झारखंड को बांटने की तैयारी थी। राज्यपाल के हाथों सब कराया गया, पूर्व सरकार इस पर जवाब दें। फैसले पर JSSC ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य के 24 में से 13 जिलों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया और 11 जिलों को गैर आरक्षित रखा गया और 13 जिलों को आरक्षित करने के फैसले को चुनौती दे दी। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया। इसके साथ ही 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।